नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्टार मेकर के एक नए फीचर के बारे में, और ये जो फीचर है दोस्तों ये बहुत ही कमाल का है। अगर आप स्टार मेकर पर सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं यानी सॉन्ग पोस्ट करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। देखो दोस्तों, आप सभी को एक प्रॉब्लम ज़रूर ही आती होगी जब आप सिंगिंग करते होंगे। कोई मान लो 7 मिनट का सॉन्ग रहता था, तो 7 मिनट के सॉन्ग में आपको प्रॉब्लम तब आती थी कि जब 6 मिनट तक सॉन्ग खूब अच्छे से चला जाता था, लेकिन जो लास्ट का 1 मिनट होता था उसमें हमें कोई बुला लेता था, या फिर मान लो आप किचन वगैरह में गा रहे हैं, कोई बर्तन गिर जाता था, या कोई भी बाहरी आवाज़ आ जाती थी तो आपको दोबारा सॉन्ग पोस्ट करना पड़ता था, ठीक है। या फिर कुछ लोग जो है मूड ऑफ करके सॉन्ग ही बंद कर देते थे कि अब फिर कौन जाए इतना गाना गाने। तो वो दोस्तों अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक नया फीचर आ गया है क्रॉप का। अब क्रॉप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये सॉन्ग गाया, 1 मिनट 25 सेकंड का ये सॉन्ग है। अब इस 1 मिनट 25 सेकंड के सॉन्ग में मुझे क्या हुआ कि 1 मिनट तक मैं खूब अच्छे से गाया, लेकिन लास्ट के जो 25 सेकंड थे उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ गया। मान लो कोई हमें बुला लिया या कुछ भी। अब हम नहीं चाहते कि भाई हम दोबारा जा करके इस गाने को गाएं, क्योंकि 2-3 बार हम कर चुके हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको दोबारा गाना नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 1 मिनट तक मेरा सही था, ऊपर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जब शुरू में किसी को प्रॉब्लम होती है तो दोबारा वो कर लेता है, लास्ट में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मान लो शुरू में भी है तो शुरू में भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जो क्रॉप वाला सिस्टम है, ये क्रॉप का मतलब इधर है कि उतना ही आपको सॉन्ग में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने 1 मिनट तक खूब अच्छे से गाया, 25 सेकंड में जा करके बैकग्राउंड नॉइस आ गई। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं क्या करूँगा, ऊपर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट के लाइन में आई है, तो मैं क्रॉप करूँगा। ध्यान रहे दोस्तों कि क्रॉप के अंदर वही चीज़ें लानी है जो खूब अच्छे से है, ठीक है। उन चीज़ों को छोड़ देना है जिसमें बैकग्राउंड नॉइस है। जैसे मैंने लास्ट के जो है वो 25 सेकंड 19 सेकंड छोड़ दिए, ये जो लास्ट वाले हैं, ये वाले, तो ये वाले में बैकग्राउंड नॉइस था। अभी जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सॉन्ग दोस्तों, जब आप क्लिप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो सॉन्ग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए, 1 मिनट 25 सेकंड का ये सॉन्ग था, 1 मिनट 5 सेकंड का ये सॉन्ग बचा, लास्ट का जो लाइन था पूरा वो 19 सेकंड वाला वो कट गया जिसमें बैकग्राउंड नॉइज़ था। अब इजीली मैं यहाँ पर जो भी मेरा इफेक्ट वगैरह है सब सेट करके और डी नॉइज़ वगैरह और एडजस्ट पर क्लिक करके, ये ऑटो एडजस्ट जरूर कर लिया करिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पोस्ट कर दीजिए, यानी अब आपको दोबारा सॉन्ग रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड जो नॉइस आ रहा है दोस्तों वो आप इजीली क्रॉप कर सकते हैं। अगर मिडिल में मान लो आ रहा है तो मिडिल के लिए दोस्तों क्रॉप कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वो सॉन्ग बेकार हो जाता है ना, क्योंकि बीच का आप पूरा लाइन ही गायब कर दोगे तो सुनने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगर शुरू में है या लास्ट में तो उसे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों को लास्ट में ही प्रॉब्लम होती थी, तो सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू।